पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य के बाजौर में रविवार को एक पॉलिटिकल रैली में ब्लास्ट हुआ। पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया है। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक 44 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना बाजौर की खार तहसील की है, जहां सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जमीयत उलेमा इस्लाम फजल की रैली चल रही थी। इस रैली को JUIF के सीनियर लीडर हाफिज अब्दुल्ला संबोधित कर रहे थे, लेकिन वो किसी वजह से यहां पहुंच नहीं सके। बाद में मीडिया से बातचीत में हाफिज ने कहा, हमारे करीब 44 कार्यकर्ता इस ब्लास्ट में मारे गए हैं। मैं इस घटना की निंदा करता हूं। हमारे हौसले इस तरह के हमलों से कम नहीं होंगे। हाफिज ने आगे कहा कि इस तरह के हमले पहले भी होते रहे हैं, इनकी गहराई से जांच होनी चाहिए। हमें तो किसी तरह की कोई सिक्योरिटी भी मुहैया नहीं कराई जाती है। हम इस मसले को संसद में उठाएंगे।